हे गाइस वेलकम टू टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस बर्ड्स आई व्यू बर्न वर्ड्स बाय द बाय बी अप टू एंड बैंडी वर्ड्स सो लेट्स स्टार्ट तो आज हम इस वीडियो में पांच और इडियम्स के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा बर्ड्स आई व्यू बर्ड का मतलब होता है चिड़िया व्यू आई का मतलब होता है आंख और व्यू का मतलब क्या होता है दृश्य तो इसका लिटरल मीनिंग देखे तो क्या हो जाएगा चिड़िया की आंख का दृश्य या चिड़िया की आंख से दिखने वाला दृश्य बर्ड्स आई व्यू मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है कहा जाता है कि दिस एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम द द लिटरल इमेजरी ऑफ थिंग्स वे बर्ड्स डू फ्रॉम अप हाई यह अव्यक्ति उन चीजों को देखने की शाब्दिक कल्पना से आती है जिस तरह से पक्षी ऊंचाई से करते हैं या जिस तरह से पक्षी ऊंचाई से देखते हैं लिटरल इमेजरी का मतलब क्या होता है मीन्स एक्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू क्रिएट एन इमेज इन रीडर्स माइंड मीन्स भाषा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग में उस चीज का चित्रण हो जाए या उस चीज की एक इमेज उसके दिमाग में बन जाए जैसे कि आप बोलो कि ये कुत्ता था वो काले रंग का था तो आपके दिमाग में उस तरह की इमेज बनती जाएगी ओके तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा मीन्स कोई भी व्यू जो कि एक ग्रेट हाइट से देखा गया हो मीन्स एनी व्यू फ्रॉम अ ग्रेट हाइट और आप उसको एरियल व्यू भी बोल सकते हैं ए आर आई ए एल वी आई ई डब्ल्यू और हम ये भी बोल सकते हैं अ व्यू फ्रॉम हाई प्लेस दैट अलाउस यू टू सी अ लार्ज एरिया मीन्स एक उच्च स्थान से एक दृश्य जो आपको एक बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति देता है ओके बर्ड्स आई व्यू को हम हिंदी में बोलते हैं विहंगम दृश्य विहंगम दृश्य ओके okay? तो इसका मेटाफेरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा कंसाइज व्यू मीन्स एक संक्षिप्त व्यू संक्षिप्त व्यू और जनरल व्यू एक सामान्य दृश्य ये लिटरली भी यूज होता है और ये भी यूज होता है आप जैसे आप यहां पे देखो किसी टावर के आप ऊंचाई पे चले जाओ जैसे कि यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है और वहां से कोई नीचे का दृश्य देखो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई कर, पड़ेगा मीन्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाई जो है जो एरिया है नीचे का तो वो आपको एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है और बहुत ही जनरल व्यू आप बोल सकते संक्षिप्त में में ओके जैसे कि आप एरोप्लेन से टॉप ऑफ जायंट व्हील मीन्स हमने एक विशाल का एक पहिये के ऊपर से पूरे मेले का विहंगम दृश्य देखा बर्ड्स आई व्यू मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विहंगम दृश्य और या एक सामान्य दृश्य या एक संक्षिप्त दृश्य ओके okay, तो होल फेयर मीन्स पूरे मेले में फ्रॉम द टॉप ऑफ अ जायंट व्हील जायंट मींस होता है विशाल का व्हील मींस होता है पहिया सेकेंड देखेंगे द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री मीन्स वक्ता ने देश में राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में एक विहंगम दृष्टि डाली या वक्ता ने जो देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां उसका एक बर्ड्स आई व्यू दिया एक मतलब जनरल व्यू दिया ओके okay, और एक संक्षिप्त दृश्य दिया एक संक्षिप्त व्यू दिया आप बोल सकते हो फिर आई टूक मैंने पूरी जगह का एक विहंगम लिया मीनिंग में तो किस तरीके से हो जाएगा जैसे कि मीन्स स्टेप बैक एंड लुक एट सिचुएशन ओके फ्रॉम अ मोर डिस्टेंट कि आप इस सेंटेंस में इसका यूज देखो ऑर्डर टू डिटरमाइन In order to determine why the company was losing money, the CFO had to take a step back and get a bird's eye view of the situation so that he could locate the cause of the problem. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी पैसे क्यों खो रही थी सी को एक कदम पीछे हटना पड़ा और स्थिति का एक विहंगम दृश्य प्राप्त करना पड़ा मीन्स एक ब्रॉडर बोलते ना पीछे हट करके एक पूरा उसका जो ब्रॉडर परस्पेक्टिव uh, उस चीज से देखो मीन्स ब्रॉड परस्पेक्टिव से तो मीन्स यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी पैसे क्यों खो रही थी सीएफओ को एक कदम पीछे हटना पड़ा और स्थिति का एक विहंगम दृश्य प्राप्त करना पड़ा ताकि वह समस्या के कारण का पता लगा सके समझ में आ गया नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बर्न वंस बोट बर्न मीन्स होता है जलना या जलाना ओके वंस बोट मीन्स क्या हो जाएगा बोट मीन्स होता है नाव तो मतलब किसी की नाव को जला देना ओके okay? नाव को जला देना इसी का ए, एक और फ्रेज इसी तरह से यूज होता है मीन्स बर्न वर्न्स ब्रिजेस बी आर आई डी ई जी एस ब्रिजेस मीन्स होता है पुल या मींस पुलों को जला देना जैसे कि आप यहाँ पर सेंटेंस में देखो किसी पुल को जला देना या इस इस फोटो में आप देखो तो यहाँ पर कैसा है कि ये नाव को जला देना इस इमेज में आप देखोगे तो मीन्स ब्रिज को जला दिया गया है पुल को जला दिया गया है तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा कि ऐसा काम कर देना जिसको कि फिर से नहीं किया जा सके ओके जैसे कि आग, अगर आप नाव को जला देते हैं तो पहले के जमाने में क्या होता था ये जो नाव जो बेसिकली रहती थी वो की लकड़ियों की बनी रहती थी और अगर आप उसको जला दोगे तो फिर से आप उसको ओरिजिनल पोजिशन में नहीं ला सकोगे तो मीन्स बर्न्स वंस बोर्ड का मेटाफोरिकल मीनिंग देखे मीन्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मीन्स वापस ना लौटने का क्षण इसका मीनिंग क्या हो जाएगा रिटर्न का मतलब होता है लौटना और पॉइंट का मतलब होता है क्षण तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ नो नॉट रिटर्न मीन्स वापस न पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मीन्स वापस न लौटने का क्षण या कुछ ऐसा काम कर देना जिसको फिर से ओरिजिनल कंडीशन में नहीं लाया जा सके तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे वी हैड बर्ट ऑवर बोर्ड्स बाय डिक्लेयरिंग दैट वी वर नॉट गोइंग टू साइन सी टी बी टी ओके यहाँ पे बर्न ऑफ ओवर बोर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ नो नॉट रिटर्न मीन्स हमने यहाँ पे अगर हम इसका देखें कि हमने अपनी नौकाओं को यह घोषित करके जलाया था कि हम सी टी पी टी पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे थे तो बर्न ओवर बोर्ड्स का मतलब हो जाएगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ओके नॉट मीन्स वापस ना लौटना या वो काम वापस नहीं कर पाना फिर है डेट पर्सन इज सेट टू हैव बर्नड हिज ब्रिजेस विद लास्ट एम्प्लॉयर ये जो बर्ंड वंस ब्रिजेस या बर्नड वर्ड्स ब्रोड्स है ये एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है निगेटिव सेंस अगर हम बोलें तो मतलब ये किसी को हतोत्साहित करने के लिए जैसे कि आप बेसिकली एम्प्लॉयर का आप ले लो कि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो आप बोलोगे कि जो आपके जो एम्प्लॉयर है मीन्स डोंट वंट योर ब्रिजेस विद योर एम्प्लॉयर मीन्स जिसने आपको नौकरी दिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके साथ में अपने सारे संबंध खत्म मत करो क्यों क्योंकि आप देखोगे दैट पर्सन इज सेट टू हैव हिज ब्रिजेस विद हिज लास्ट एम्प्लॉयर मीन्स ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने आखिरी नियोक्ता के साथ अपने पुलों को जलाया था तो मीन्स अगर आप अपने एम्प्लॉयर से अपने जो सारे संबंध खत्म कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि मीन्स आप उस ओरिजिनल कंडीशन को फिर से नहीं प्राप्त कर पाए तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप खत्म करने का मतलब क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो दोबारा आपको रिहायर नहीं करेगा ओके सेकेंड थिंग है आप कहीं जॉब के ले जाते हो तो आपके बारे में फेवरेबल रेफरेंस भी नहीं देगा इसलिए मीन्स ये जो फ्रेज़ है ये निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि मीन्स किसी चीज़ को हत, हतोत्साहित करने के लिए ओके इस फ्रेज़ का अगर ओरिजिन माने तो कहा जाता है कि मीन्स ये एक मिलिट्री टैक्टिक है जो एंशियन टाइम में जो रोमन रोमन लोग रहते थे मीन्स बोलते थे कि जो एनशियन नेवीज रहती थी वो क्या करती थी ऐसा माना जाता है कि वो अपनी बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती थी या तो जलाकर और या तो डुबाकर जब वो न, जो उनके दुश्मन रहते थे मीन्स जो शत्रुओं के तट पर पहुंच करके वो क्या करते थे अपने बोर्ड्स को या जो नाव है उनको जला देते थे या डुबा देते थे वो ऐसा इसलिए करते थे जिससे कि उसके मतलब बहुत सारे रीजन थे वो कि ऐसा किस लिए करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब जो शत्रु है वो बचकर के भाग नहीं पाए सेकेंड थिंग है कि जो लड़ने के लिए गए हैं मीन्स जो सेना के जवान है या जो सोल्जर लोग गए हैं उनके पास में भी कोई रास्ता नहीं था कि मतलब वो डर करके भाग जाए क्योंकि उनके पास नो पॉइंट ऑफ रिटर्न उनके आगे ये स्थिति रख दी जाती थी कि मीन्स करो या मरो या तो आप लड़ाई करो और या तो मर जाओ तो मीन्स उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता था और भी रीजंस थे मीन्स पुलों को जला देने या ब्रिजेस को जला देने का कि मीन्स उसको वहां से क्या, क्या बोलते हैं रिलेशनशिप वहां का मतलब वो रास्ता तोड़ देने का या खत्म कर देने का उसका मतलब इसलिए भी होता था कि मीन्स जो रसद वगैरह रहता था जो सप्लाईज रहती थी तो वो सप्लाई नहीं प्राप्त कर पाए एनिमीज लोग एनिमी बच के भाग नहीं पाए मतलब शत्रु बच के भाग नहीं पाए ब्रिजेस वगैरह या पुरनाओं को जला इसलिए दिया जाता था कि मीन्स कट द एनिमीज सप्लाईज लाइन जो सप्लाई लाइन है उसको कट करने के लिए भी कहा जाता था आज भी ये जो टैक्टिक है ये मिलिट्री में यूज़ होती है मीन्स जब भी भी मिलिट्री कैंपेंस होते हैं तो ये टैक्टिक यूज होती है कि मीन्स बच के भाग ना पाए मीन्स टू स्टॉप द स्केप एंड टू मेक द रिट्रीट इम्पॉसिबल पीछे हटने का कोई पॉइंट ही नहीं बचे ओके जैसे कि आप देखोगे जो एक राइटर एक थे सन जू टी जेड यू कुछ इनका नाम इस तरीके से है टीज एड यू सनजू इन्होंने लिखी थी आर्ट ऑफ वार आर्ट ऑफ वॉर तो उन्होंने इसमें मेंशन किया था व्हेन योर आर्मी हैज क्रॉस द बॉर्डर यू शुड बर्न योर बोर्ड्स एंड ब्रिजेस इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी दैट यू हैव नो हैंकरिंग आफ्टर होम ओके तो इन्होंने क्या उसमें बोला था कि मिस जब आपकी सेना ने सीमा पार कर ली है तो आपको अपने नौकाओं और पुलों को जला देना चाहिए ताकि हर किसी को यह स्पष्ट हो सके कि आपके पास मीन्स अब कोई रास्ता नहीं है मीन्स अब कोई बेकरारी या उत्कंठा या चाह या लालसा ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप वापिस जाए यहाँ पे आपके आगे क्या सिचुएशन रख दी गई है मीन्स या तो विक्ट्री और या तो डेथ ओके okay? समझ में आ गया नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बाई द बाई बाई द बाई का मतलब वैसे होता है वैसे ओके सिमिलर फ्रेज आप बोल सकते हो मीन्स बाई द बाई ओके okay? तो यहाँ पे ये by द बाई और बाय द बाय दोनों का मीनिंग सेम ही होता है इसको हम क्या बोलते हैं मीन्स बाय द वे प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो प्रेजेंट में ये क्या ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था बाय द वे अब प्रेजेंट में क्या होता है बाय द वे यूज़ होता है ओके okay? तो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो क्या होगा कि ये क्या करता है सेकेंडरी कोर्स को दिखाता है ओके okay? मीन्स जैसे कि पहले के ज़माने में फिफ्टीन सेंचुरी के आसपास क्या था कि ये जो बाई का मतलब होता था क्या होता था कि मीन्स साइड पाथ साइड पाथ ये जो आप देखोगे कि ये मेन हाईवे जा रहा है और यहाँ पे ये साइड पाथ है तो ये दोनों साथ में चल रहे हैं मेन हाईवे के साथ में ही बट जो मेन हाईवे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है और साइड वे मीन्स कम इम्पोर्टेंस का ओके okay? आप या तो बाई वे भी बोल सकते हो साइड रोड दैट गोज अलॉन्ग साइड ऑफ द हाईवे वे मीन्स सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का ओके okay? तो जैसे कि ये किस लिए यूज होता है जैसे कि आप देखो कोई कन्वर्सेशन कोई बात कर रहे हो और एकदम से आपको कुछ बात याद आ जाती है तो मेन कन्वर्सेशन से हट करके ये बात एंटर करती है मीन्स पास इन एंड पास आउट द कन्वर्सेशन क्विकली मीन्स जल्दी से एंटर करती है और फिर वो कन्वर्सेशन से बाहर हो जाती है तो बाय द बाय या बाय द बाय दोनों का मीनिंग सेम ही होता है जैसे कि बोलो कि बाय द बाय वॉट इज योर एज मीन्स बाई द वे वॉट इज योर एज मीन्स वैसे आपकी उम्र क्या है ओके okay? जैसे कि आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं माई वाइफ इज कमिंग टू और एग्जैक्टली वेयर डू यू लिव बाई द वे तो पहला कन्वर्सेशन क्या था माई वाइफ इज कमिंग टू मतलब मेरी पत्नी भी आ रही है और फिर एकदम से अचानक से आखिर एग्जैक्टली वेयर डू यू लिव बाई द वे मीन्स आप बेसिकली या एग्जैक्टली कहाँ पर रहते हो तो कोई कन्वर्सेशन मेन कन्वर्सेशन चल रहा हो और उसमें अचानक से एंट्री हो जाए मीन्स जो सेकेंडरी कोर्स है या जो लेस इम्पॉर्टेंस का है तो इसका मतलब क्या होता है बाय द वे मीन्स ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया और ये जो बाय द बाय है या बाय द बाय है ये ओल्ड इंग्लिश है मीन्स अनरिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक और कन्वर्सेशन ये इसलिए भी यूज होता है जैसे कि दो लोग बैठे हो या लॉन्ग साइलेंस हो और अचानक से किसी को कुछ न्यू क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी बोलता है ऐसे करके बाय द वे व्हाट इज लाइक दिस व्हाट इज लाइक दैट इस तरीके से तो ये बाय द बाय वर्ड इस तरीके से यूज होता है ओके okay. नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है बी अप टू बी का मतलब होता है होना और अप टू मीन्स होता है किसी के बराबर मीन्स जैसे कि हमने लिख दिया अप टू मार्क ओके अप टू मार्क मतलब एक स्तरी एक स्तर के बराबर होना तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो अप टू द मार्क आप इस तरीके से डिनोट करते हो तो बी अप टू का मतलब होता है किसी के बराबर होना या किसी चीज़ से परिचित होना तो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा किसी के बराबर होना या किसी चीज से परिचित होना टू बी फैमिलियर विद परिचित होना ओके okay, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे ही इज अप टू ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्राइंड हिज ओन एक्स मींस वह अपना मतलब निकालने के लिए व्यापार के सभी हथकंडे अपनाता है या व्यापार के सभी हथकंडों की बराबरी करता है या व्यापार के सभी हथकंडों से परिचित है तो यहाँ पे अप टू का मतलब क्या हो जाएगा बराबर परिचित या किसी भी चीज को अपनाना ओके तो ग्राइंड होता है अपना मतलब निकालना और ट्रिक्स का मतलब होता है हथकंडे या चाल ट्रेड मीन्स होता है व्या, 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 व्यापार सेकेंड देखेगी ही नॉट अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ दिस न्यू बिजनेस मीन्स वो वह इस नए व्यापार के सभी हथकंडों से परिचित नहीं है तो यहाँ अप टू का मतलब क्या हो जाएगा परिचित या वो इस नए व्यापार के न्यू बिजनेस का मतलब हो गया नया व्यापार ट्रिक्स मिक्स हो गया चाल या हथकंडे तो वह इस नए व्यापार के सभी हथकंडों से परिचित नहीं है फिर आई शुड बी अप टू द ट्रिक्स ऑफ माई एनिमी मुझे अपने शत्रु की चाल से परिचित होना चाहिए या शत्रु की चाल के बराबर होना चाहिए या शत्रु की चाल जो शत्रु जो चाल चल रहा है वो चाल चलनी हो चाहिए तो बी अप टू का मतलब क्या हो गया बराबर परिचित ओके okay, समझ में आ गया नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बैंडी वर्ड्स बैंडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये एक तरीके का गेम है कहा जाता है जैसे कि हम बोले कि बैंडी गेम ये क्या था ये एक तरीके का गेम था जिसका मतलब क्या होता था बैंडी का मतलब वहां पे क्या होता था एक्सचेंज ई एक्स सी एन जी एक्सचेंज और टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो जैसे कि आप यहाँ पे देखो फोटो में कि एक तरीके का बैंडी गेम है जिसमें क्या करते हैं ये जो बॉल है तो ये बॉल को हिट करते हैं तो ये बॉल टू एंड फ्रो मीन मूव होती है एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ ओके okay? तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया बैंडी वर्ड्स का एक्सचेंज अगर आप इसका देखेंगे फ्रेंच में तो फ्रेंच में एक वर्ड है बैंडर और अगर आप स्पेनिश में देखोगे तो एक और वर्ड है बी ए एन टी ई ए आर बैंडियर तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कहा जाता है कि ये जो फ्रेंच का जो बेंडर वर्ड था उसको कॉटग्रेव ने सी ओ टी जी आर ए वी कॉटग्रेव ने बेंडर से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बैंडी पी एन डी आई जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ओके टू बैंडी का मतलब क्या होता है टू एक्सचेंज मीन्स बदलना ओके टू एक्सचेंज टू और बदलना ये होता है तो अगर इसका हम मेटाफॉरिकल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा मीन्स टू रैंगल और टू ऑरग्यू ऑर्ग्यू होता है तर्क करना और एंगल क्या मीन्स होता है लगातार लड़ाई करना या तर्क करना या झगड़ा करना तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा टू ऑर्ग्यू पर्सिस्टेंटली पी ई आर एस आई एस टी ई एन टी एल वाई मीन्स लगातार तर्क करना या लगातार झगड़ा करना या तफसील से तर्क करना या सविस्तार तर्क करना या बहस करना ओके मीन्स अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड ओके okay, जैसे कि आप इस फोटो में देखो ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं तर्क कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं तो बैंडी वर्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सचेंज द वर्ड्स ओके एक्सचेंज द वर्ड इसका मीनिंग क्या हो जाएगा टू आर्ग्यू मीन्स शब्दों का बदला अदला बदली तो मीन्स क्या हो जाएगा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आर्ग्यू या लगातार तर्क, तर्क करना सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे ओबीडेंट चिल्ड्रन डू नॉट बैंडी वर्ड डू नॉट बैंडी वर्ड्स विथ देयर पेरेंट्स वेन दे आर एडवाइड्ड एडवाइसड सो आज्ञाकारी बच्चे अपने माता पिता के साथ बहस नहीं करते हैं जब उन्हें सलाह दी जाती है ओके okay? कहा जाता है ये जो बैंडीवर्ड्स है ये एक मतलब ये जो ऐसा गेम था आप ऐसे बोल सकते हो कि मीन्स अ फरेसियस बॉल गेम सिमिलर टू आइस हॉकी जैसे कि आइस हॉकी खेलते हैं तो उस तरीके से ये एक क्रूर बॉल गेम था प्रजेंट में आप इसको लॉन्ड टेनिस कोर्ट टेनिस या रॉयल टेनिस से रिलेट करके देख सकते हो लॉन टेनिस में भी क्या होता है जब रहता है कि मीन्स बोला जाता है कि एक असॉर्ट ऑफ टेनिस स्ट्रोक है अ सॉर्ट ऑफ टेनिस स्ट्रोक टी ई एन एन आई एस एस टी आर ओ के ई इसमें क्या होता है कि मीन्स जब प्लेयर चिल्लाता है अ बैंडी सर बी ए एन डी वाई सर मीन्स बॉल को रिटर्न करने वक्त बट ये पहले यूज़ होता था बैंडी की जगह पे क्या यूज़ करते हैं चेक ओके ए आई एल नॉट बैंडी वर्ड्स बट दस डिजोल्व द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मैं वर्ड्स एक्सचेंज नहीं करूँगा मीन्स मैं तर्क नहीं करूँगा या ऑर्ग्यू नहीं करूँगा बट दस डिजोल्व द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को ही डिज़ोल्व कर दूंगा या जो अनुबंध है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अनुबंध या ठेका डिजोल्व का मतलब होता है भंग करना तो मैं तर्क नहीं करूंगा आईल नॉट बैंडी वर्ड्स बट दस डिजोल्व द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आई विल नॉट आर्ग यू बट दस डिजोल्व द कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया थैंक्स फॉर वॉच तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे